मुंगा वक्त दिन वालू बाबा खाल्ला सुन दस्त गुलदस्ता दरकने वा और नल वजन ब्याह मुंगले तरह कुछ भी हो इंजीनियर से दाताओं का पारा सुनने वाले करे दा और नदी खल का पारा सुनने भी है इंशाल्लाह मुंगा दिन के ताजे तीर फ्रेंड्स सदा एक को दाखून मुशरान दाखून ने जवारें जिकम दे तनास्त भी कर दिल ने ना एक इंशाल्लाह जिका खेरी सिंगा हम बदोजा तेरा के इमरान खान सुना मेरे शिकस्त मर करे हो इमरान खान सुना मैं तम बंद कर रहे हो और बेहद अगर पस्त दोबारा मैं 2016 की चीज इमरान खान दल करा रहे हो और दिल ने पता दे खुद जलसाओं का और एक ऐसा ऐलान को कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूम नामो निशान खत्म शो दार बाप पर बोले आज सियासत खत्म शो अगर मुंगा दफन को और ताजुल करा रहे और ताजुल दिखल को ने वादा हुआ गश्ता कि मार सर वादा हो के कि ताजुल दार बाप पर बोले आज मिशन सब तरह सवे जो दिखल को ताजुल सर वादा होता और यो सलीम क्या हुआ नहीं को स्पोर को मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह रारवान इलेक्शन के रारवान इलेक्शन की भाई इंशाल्लाह कठेरी जो जल ज्यादा तो इंशाल्लाह मुस्लिम निकल या बचेगी और रारवान इलेक्शन की भाई इंशाल्लाह बल बल लच्छी कर कठेरी जमुन बताई सुबह ही सदर जमुन के जिले से कल तराजी नुबाहे से ते वो जिले ला बराजी और इंशाल्लाह नहीं ना जिले पड़ा दस इलाज़ ना कई दस पैसे कई इकम में दरन्ना लज़दूर अस्कार मक्की दरबार पर बरात बना स्टूडियो इज्जतमंद मशरानो उस हम कबूल का पलक के द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दी मशरानो अगर बाप पर हया दलास के स्टिपल खोलेगी ताकत पी के सत्ता सकते काटा सकते कचिया सकते और दे वालों हल्कों के सदा हल्फत में मां सुखी दा साबित की चला यौ इंच लगे स्टेप हम रिपीट के हुकूमती तुम बस या सत्ता खैर बाद बोलो तुम को दूर में की हो तो सदा खबरा हल्फन कोमा कि मुंगी दस्तेगा मुंगा सियासत रो जान निश्ता इंजीनियर से दर्द नास्ते दे मुंगला देरो देरो मुशाबिर मुंगला मुंगला मशवरा रखा कि पली का रूस तेगा ने रावारे डाका उतना बन के खुदा जमुन पर मंशूर की नहीं बजमुंग सियासी मुखालिफ सो जमुन जानी दुश्मन हम की पंडे जमुंग लाकिता कर क्या तिकाउ ने रोड़ी मुंग बहुत हारुना चो मुंग बहुत हार करी वो यू मुंग बेस तेगा ने नाराजू इज्जत मंद मशरानो किसी का दाव तो पता था किला माहौल ना से जोड़ दे दे इमरान खान खल के तबाह बर्बाद को गरीब सड़े चिकन दे दरोटा ने खलास को दरोजे ने खलास को दरोजगार ने खलास कल बेकोर है कल दा मजदूर का तबका दा दियारी मारा तबका कम की सहारू जो मखाम कुर्ता पदी सोच रहा जी की तबक कुर्ता तो दो वक्त रोटे रोलमा मैं जबन पदी मजबूर की बम देवता सी मशरान नास भी दाज जमुन चवानन बनास भी किसो कर्जदारी शुरू दी क्या सारा चिकम दे का दो वक्त रोटे पता नहीं लगी क्या सारा बड़े बिजली एक बिना बिल कमी क्या सारा बड़े गैस का बिल कमी क्या सारा बड़े फिक्र भी कि ना बिजली बिल बसी ने वर्कों द मशरूम उस कुल ना किसूर बसी ने वर्कों जमुन चिकम दे जुइफान मशरान नास दी दी सारा दवायानो गम दे चिपन जुइफ मोरला कोई जुइफ प्लार ना बतावयाने द कम से नोना मा रुदाव सब पिंजर कारे उड़ान दी दे सजूर कारे उड़ान दी दौर बताओ सब यहाँ जुइफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि दबिया नवा शरीफ दौरो आउ दार उठे चिकन दन पशुल रुपए पर पिंजर रुपए मिला बीगी दाव पलस रुपए मिला बीना आगे दवायाने चिकन पर पिंजर सौ रुपए मिला बीगी दाव पशु रुपए मार्ग मिला बीगी द गैस बिलो कोरे द बिजली बिलो कोरे ताजु कोरुं तब आगे द बिजली बिलना तो 25 रुपए और 2000 और 3000 रात को न लस्सर और पिंजर लस्सर राजी रुकत मंद मचलानो आगे वो क्या के कि मुंगा आगे वो खो और कने दाव वो मुंगा करे तो फैसला ताजु पलास के दा जमुन लाइट में मोहम्मद नवाज शरीफ पदे एजेंडा रावते दे ताजु तो हुकूक तहफुज की ताजु तो हुकूक चिकन पा मालिया वाला ला आगे न ताजु बच की और जमुन उस सुबह के दागे ला पारा जमुन से पसालार इंजीनियर अमीर मकाम से चिकन दे देता सेलेक्ट करे ले चेहरा दीवा दिल द अवाम चिकन मसाइल दी पाया रोशनी आ चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा कामयाब शिविर भी हूँ देर हालत पूरे मुंगा कामयाब शिविर हूँ और इंशाल्लाह मोरस में
چې د یهودی ایجن د عمران خان به دیوالي او ستاسو د غریبو همو لاس پهږي انشاءالله او هغه وخت لرې نه ده کتلي چېکل به بیا د پاکستان مسلم لیګ نن حکومت راځي او انشاءالله میا محمد نواز شریف به زموږ وزیر اعظم وي او په دې صوبه کې به انشاءالله کتلي وزیر اعلی کمونږ انجینر امیر مکاوي ستاسو د ټول عزتمندو مشرانو د ټولو نوجوانانو بې حده مشکور یم چې په دومره شاټ نوټس کې تاسو ځل بیا راغې الله دې ستاسو په ټول ډېر ډېر عزت وکړي او اخره کې به یو ځل بیا زه راشېر یم بابا چې زما والي صاحب سر وینو خو یې زه د موسی ته همدغه بازار دی یاد لره د ظلم موسی ته همدغه بازار دی یاد لره په مونږ چې کوي دغه ناتار دی یاد لره په مونږ چې کوي دغه ناتار دی یاد لره مدل د پښتنو دې د نرانو هر څه په بدل وي توار مې کړه راغو دا گزار دی یاد لره पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम हमारे शीन कोशों और मुस्लिम लीग की शेरों के सिपा सालार खैबर पख्तूनख्वा जनाब अमीर मकाम साहब नौजवानों के कायद खैबर पख्तूनख्वा औरंगजेब नलोठा साहब स्टेज पर बैठे हुए यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी साहब और मुस्लिम लीग नून और अमीर मकाम के जाफिशा साथी और मेरे सामने बैठे हुए इस हल्के जहां से मेरी निस्बत भी कोई नई नहीं है मेरा प्यार और मेरा मोहब्बत का रिश्ता भी कोई नया नहीं है मैं आप सबको मोहब्बत भरा सलाम कहता हूं प्यार भरा सलाम देता हूं और आज मुझे यहां पर एक तरफ आते हुए अपना भाई अरबाब अकबर हयात याद आ रहा था कि मैं और वो जब एक साथ सफर करते थे तो हम सोचते थे और बोलते होते थे कि अकबर तुम पास होगे तो अपने इलाके के लिए क्या करोगे मुझसे पूछता था इख्तियार तुम पास होगे तो तुम नौशेरा के लिए क्या करोगे अकबर ने हमेशा मुझे यही कहा कि मैं अपने हलके के लिए वो कुछ करूंगा जो इससे पहले भी किसी ने ना किया हो जो उसके बाद भी कोई ना कर सके मुझे उसकी वो बातें याद हैं लेकिन जहां दिल उदास होता है तो वहां दिल खुश भी हो जाता है कि अकबर की औलाद नालायक नहीं है अकबर की औलाद बदकिस्मत नहीं है और अकबर खुद खुश शक्ल भी था खुश लिबास भी था अल्लाह ने उसको बड़ी प्यारी औलाद भी दी है अल्लाह को अल्लाह ने अकबर को बहुत अच्छे भाई भी दिए हैं और उससे पढ़कर अकबर को उसके हलके में अल्लाह ने बहुत बेहतरीन वोटर सपोर्टर और रखी है आपको महज परसी नहीं आज का दिन हमारे अहद का दिन है आज
हमने ये अहद करना है कि अगर खुदा ने हमें अमीर मकाम जैसा कायद दिया है, जो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीगियों के पास कयूम सानी से कोई कम नेमत नहीं है, और कयूम खान इंजीनियर अमीर मकाम जिंदाबाद, अमीर मकाम खान मुस्लिम लीग नाम के कारकुन समझते हैं कि आप हमारी माओ बहनों की दुआ है, आप उन मन्नत और मुरादों का समर है जो माओ बहनों सर से ने उन्होंने दुपट्टा उतार कर अपने हाथ दस बदुआ अल्लाह के हुजूर उठाई कि या अल्लाह मुस्लिम लीग को कभी यतीम मत होने देना, मुस्लिम लीग को कभी ख्वार मत होने देना। तो मैं खुश हूँ और मुस्लिम लीग नून के कारकुन इस बात पर फख्र करते हैं कि आज किसी भी जमात के सूबाई सदर को उठा ले, किसी भी लीडर को उठा ले, अमीर मकाम जैसा कारकुन सदर किसी जमात के पास नहीं है, किसी नजरिए के पास नहीं है, जो सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक हर चौक हर जिले में, हर जिले में हाजिर होता है। एक वक्त होता था, आप देख लें दूसरी जमातों में लोग मैयत भी होती है, मातम भी होते हैं, उनके सूबाई सदर क्या उनके जिले सदर को भी पता नहीं चलता। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ सोशल मीडिया उठा ले, अखबार उठा ले, अमीर मकाम का कोई एक दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब वो किसी कारकुन के घर पे ना जाता हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको उम्र खिजर नसीब करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, जो आपकी ताकत है, जो आप दुश्मनों पे गरज कर बरसते हैं और आप आसमानी बिजली बनकर तहरीक इंसाफ पर रोज गिरते हो, अल्लाह आपको इसी तरह तंदुरुस्त और तवाना रखे। और इन कारकुनों के हमरा ये आज हम हर बताते हैं कि अमीर मकाम साहब आज अकबर भाई की बरसी के मौके पर ये आपके साथ वादा है, जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ, लड़ेंगे तो आपके साथ, अब जिंदा भी आपके, मुर्दा भी आपके। ये मुस्लिम लीग कारकुन आपके साथ लीग ने अपने इक्तदार में 25,000 अरब कर्जा वापस किया था और इमरान खान ने 2.5 साल में 35,000 कर्जा वापस किया है, उसका जवाब सुन लो मेरे भाइयों, मीडिया वालों आप भी सुन लो, रिकॉर्ड कर लो। मैं दावे के साथ करता हूँ और चैलेंज करता हूँ, इमरान खान ने इस हुकूमत को आए हुए 3.5 साल गुजर चुके हैं और 3.5 साल में इसने 17,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है, जो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन कर्जा है। और दूसरा चैलेंज यह है कि आज तक इमरान खान ने 1 रुपया कर्जा वापस नहीं किया, अभी तक 1 रुपया वापस नहीं किया। झूठ बोल रहा है वजीर आजम साहब, आप झूठे नहीं है, आप झूठों के सरदार हैं। और मुस्लिम लीग नून का ये कारकुन इख्तियार होली तुम्हें चैलेंज देता है, आ जाओ चौकी अखबार में खुला मुफाकिरा करते हैं, अगर तुम्हें झूठा साबित नहीं किया तो मेरा नाम نروالی پختون ولی
दोस्तों अपनी खबरों को पुतून खोशी पोषानो याद रखकर मन लच पूरा तुम रखस सदर रखेंगे और तुम रखेंगे द्वारा ही रखेंगे फजलुल्लाह मिन्नास ने और दाखल इस समूह को उन्हें रसीगी और अकुल के इलेक्शन के बदाम को रहते ही बदकिस्मती ने रा दावत अपनी खबर बदकिस्मती दावत अपनी सुबह बदकिस्मती नहीं पास है لك السليم مرمان وما الخطم قوله السلبيخ تروبوخة تكيشيلي فاقي قوله نو مجين بكي روه او شده بله ولا رفلا سوه فاقي ادو سوچ نكوه ايشان تزيلا ايه 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 او دا قادي عنيان او ناسونه تيجوين بانتو الاسملي تورا سمال فاق خلق يومي بابا جي او كم خلق جدا اسملوهن بي جاستر چه خلوشنا جاسر جبشتا جاسر فکرشتا جاسر نظریشتا اور اگر قلب پر جذبات پوئی آوام و خدمت پوئی ہے سمیان بار رہی گی پختنوں پر بھی سو چکے من وقت راگلے دا جنگا داشنے جنگا دا زمان جنگا صرف ملا دا زمان کو طول جنگا دا جنگا دا دوا چریک جنگا دا جنگا دا کار بیازم جنگا دی جنگی بسوری لاندی دا ملک جوڑ شروع اونن دامل گئی یہودو دا قادیانی انہوں نے جنڈانو پھلاس کے لئے دوستانو پتے مقام ہے پتے قبضہ ہے پتے خلاصون ہماری دا قبضہ بسو کری سو پہلی دا بسو تاسو بلو دا بھی مقام پر قیادت کی بیلو انشاءاللہ دا پلو سبی دا حکومت پارا کہ نن کنی نن بکو دا جن کنی جن بکو دا غزا من لبده دا زمان صدر امیر مقام خان او زمان پاتی نواز شریف سے او زمان دا خور مریم بی بی داری او سیز نواتی فدا اگر لبده دا چو دا تنزور پیدونے نن پا پشل رو پای کرسیگی اشپک سو رو پول دا ورو دورا نن پا پینزل سو رو پای کرسیگی دا بجلے یونک چو پا سلو رو پا پینزل رو پایو نن پا سلیر شروع پایشو او آقا اکسوی ایس دیلون چه و پینزوش پک سوارا قل اگر من سوا پینزوش پک درو دور سیدل نمریزان و دوائی سلویت تو پنیس رو بونا سلو رو پینزوش سو رو پول دور سیدا روزده چول پختانو لویم چی دارا نا پاکستان دے دارا نا انکلاب دے دادا ریاست مدینی لگا نو ریاست دے سجل وی مامران خانا تالا روان ستالا تو فرباز گورنر لیموان چند دو دا پاکستان دے دا آدھا پاکستان دا دستان بارچی من بزن لکھو زور پاکستان دوبارہ جی کھو پدی شیر سرا دا شیر دالے کم پدی خوری پختنولا دی سوانانولا دی ظلمولا دی مشرانولا دی دا پتی خورن دانولا آگے خوران دو مندو لکھو پتور کناس دیلی او بیار اکبر صدر دا مخربل ویم چطور تمونا براشی جاما پورتنون براشی چارما شپید ظلم برستباشی چارما لا خوبیان دید اسلام او دا پختون خواست شن دیدی سوک خالد بمرا پیداشی چارما بزالیم کیوان بزالیم کیوان جی پلاس دید مظلوم شی او دارد چید انصاف شی چارما دوستان لیگ یون صوبائی
सिपहसालार सुबाई सदर जनाब सरदार औरंगजेब मलोदा साहब ने दावतों को मैं दावत देता हूँ कि उस भूत में सुबाई सदर सर को मैं दावत देता हूँ कि पाकिस्तान मोहतरम जनाब सलारे आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदर खैबर पख्तूनख्वा जनाब इंजीनियर अमीर मुकाम खान साहब और शेर ए पी के जैंट अख्तियार अली खान साहब अख्तियार वली के नाम पे आपने ताली नहीं बजाई है। ये वो शेर है, ये वो शेर है जिसने इमरान खान, महमूद खान और परवेज सदक को पी के ट्रेंड में चार क्या बिठाने चेक करके गिराया है। ये वो शेर है। और जनरल सेक्रेटरी यूथ बैंक खैबर पख्तूनख्वा अरबाब अफजल याद साहब अरबाब हिजर साहब मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों भाइयों यूथ शहीनों एमएसएफ सोशल मीडिया और मीडिया के मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज दुख के साथ अरबाब अकबर याद साहब असेंबली में मेरे साथ एम पी ए रहे। मैंने उनकी जो जंग वो असेंबली फ्लोर पर हुकूमत के खिलाफ लड़ते थे, आपके हकूक के लिए लड़ते थे, आप यकीन करें वो यहां तक कि भी जाते थे कि मिनिस्टरों के गिरफ्तार पकड़ते थे और आपके हकूक पी के अखाड़े। आज मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अरबाब अकबर याद साहब का जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम उन्हें नसीब फरमाए और मैं उनके बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं उनके भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 5 साल गुजरने के बाद ये जो मैं देख रहा हूँ पीके घाट के मेरे बुजुर्ग और भाई आप सब यहाँ पे आज अरबाब अकबर याद की को खराज तहसीन पेश करने के लिए तशरीफ लाए, आज भी आप 5 सालों के बाद भी अरबाब अकबर याद की मोहब्बत इन लोगों के दिलों से कोई भी नहीं निकाल सका। उनके हल्के के लिए खिदमात भी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी खिदमात थी, वो कमिटेड मुस्लिम लीग ही थे और मरने दम तक वो मुस्लिम लीग के साथ रहे। आज उनके बेटे अरबाब अफजल याद को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, सुबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम खान और कैप्टन सफदर साहब ने अरबाब अफजल याद की मुस्लिम लीग की खिदमात के सिले में अरबाब अफजल याद को सुबाई जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया। मैं तोड़ रखता हूँ अरबाब साहब के पूरे खानदान पर अरबाब अफजल याद का ये खिदमत का सिलसिला इंशाल्लाह ये लेके इसकी शमे जगह जगह हर माले आई मंसल में जलाएंगे और मैं इंशाल्लाह अपने सदर साहब इंजीनियर अमीर मुकाम खान जो इस खानदान से बहुत प्यार करते हैं, जो इन बच्चों से शफकत करते हैं, मैं उन पर भी तो रखता हूं कि आइंदा
अरबाब अकबर याद की जगह पे उनका बेटा अरबाब अफसर याद मेंबर भाई पीके अकाक का खुदा के फजल से आप साथ देंगे अरबाब अफसर याद का इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फले फलेगी खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हमारे सदर साहब रात दिन मुस्लिम लीग की जड़ें मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं हम भी सदर साहब आपसे वादा करते हैं कि मुस्लिम लीग यूथ विंग आपके साथ रावण दस्ते की तरह काम करेगी आपके शाना बखाना चलेंगे और मैं एक नौजवान असम मैं अवेश इकराम इकराम को और उसके साथियों को मैं जबरदस्त इल्फाज में मुबारकबाद पेश कर कल जब हमारे मर्कजी कायद कैप्टन सफदर के साथ हाई कोर्ट के बाहर ज्यादा की गई इन्होंने तरीके इंसाफ के उस गुंडे को पकड़ा और उसका वो शुरू किया कि क्या मुद्दा कोई आइंदा मुस्लिम लीग की लीडर के सदर साहब इंजीनियर अमीर इमरान खान साहब अब जो मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ के नजरिए और नवाज शरीफ ने जो हमें जो तरीकाकार सिखाया था शराफत मोहब्बत और प्यार की सियासत का तरीका सिखाया था अब वो चेंज कर दिया है तरीके इंसाफ वालों ने सदर साहब हम ईद का जो आप पत्थर से आप उन्हें देंगे पत्थर से देंगे माना माना के तरीके इंसाफ वालों तुम ताकत में हमसे कम नहीं पर अब आओ बच्चों जरा मैदान में या तुम नहीं या مهربانیوں کا سمرا منگری چھ دی خوالا ہی دی غالی والا ہی دو نازے خالی کئی خالی کے دلتا بلتا ہے ہی قسم مہربانی خالی کئی کہ جیسے کمزور ہے مہربانی نگلام دی عزت مند لو دکو سن شخصیت لتا و کر کو اگے تبا تو پختو کو سو باری اتری گئی द पाकिस्तान मुस्लिम लीग सुबाई सुपर सालार शुगल बयान हजारों दिल का दर्द जनाब इंजीनियर अमीर अरबाब अफजल से फजलुल्लाह से जमापस से अपने के अदर से माता सुन वो आज
سردار دی مقیر تشید خدا سے کوئی گیان کیا تو تاغی انتہائی قابل قدر قابل عزت مشران و حمدونو مشران رونو السلام علیکم تو اور مستاسو ماشاءاللہ انتہائی مشکوری ما جدو برا پشان کو نسمدے تاسو بدو گھنٹ تعداد کے وسط آپ دل سر لگیا ہوں مگدا سٹیج چر تارتے ہوئے خدا کا آخر سر پر مٹور خلق خلق کارے گا دمرا زرگون تعداد کرا دلے استاد مشکوری ہو اللہ تعالیٰ نے استاد رامین محبت دوئی در خاندان و در مسلم لیگ نونا و در منسرا قائم دائم ساتھی اور اللہ تعالیٰ نے بلد ہم تو فکرہ کی لیکن تو افواد تاز و منسا ساتھے نپاگے کے پلو رو رضا کو استاد رو پارا استاد مشکلات ہر دور دے پارا زر زمان پارا دا حلقہ و تاسو طلق سے دیوینے دڑیر زمانے نے دا 2005 چین روالا روز پورے اندل اشپار اسکار اجنو ماتا سرا یہ رشتہ و تعلق دے او زبا دارو بھی مجھرا اکبر آیا کہ ماں پہ بلکل ضرور شرط گنا اللہ دیو بخی دا ہمیشہ نم چیار سمنگ دا ذاتی مسئلے سے پاہ دے راگلے ہمیشہ دورا زورا اور سرے ہو بابا آخر ایک مطاق پر گئے کاغذ باہ سے پاتے سرے جیسا مارا پہ دست دو آسے جدا ٹرانسفارمر رکھا کولو نہ رکھا گیس رکھا لے وہ پاتے سرے جیسا مارا دست ساتھو سر زمرہ میرا محبت دا راکی دا آئیو میشن مقصدو استاد سر یو مینو استاد سر مینو مینو محبت کے پر یو طرف نہ نہیں دوارا طرف نہیں راز امی نے کہو لوں گا اللہ تعالیٰ دیو بخی کو پیاسا سنجی اختیارو جی سے خبر اکڑا بدے ہم خوشانا جد آغا آغا رونا او دا آغا بچو کی ہم دا صلاحیت موجود دے ہو ننو ماغا تیرا ہو آغا تعلقات ہو دوستان آباد بھی اللہ تعالیٰ دے آباد ساتھی دستان سنو دے دار میرے خلقو انا ذکر آگلے دسر اس لگیا ہوں زمانہ دیل دیات مصروفیات دا سہار پا مومند کیوں ما یا پا باجوڑ کیوں ما اور دا باجوڑ نما دا مخدد دے اسم کی دوسر اپنی کمیٹ پیٹو افضل لے ما بسر آگلی ہو ما اونا ٹائم ورکڑے اور دا دوی دے مینی سرسرا تاز مجھے ما کے محسانات کی دے خلقو اور دا دے دا حلقے دا ہر بچی زبیان دوبارہ ذکر آگلے جرا مخیر تاز تا مخاطب شوے اور دا مہرور ملو سال سر پر کامپین کے لئے گولے و منگم دا سر دعویٰ نکڑو کہ اللہ تعالیٰ منگل سے اختیار را گیتا سر پر کی شامل ہے شریک پہ ہے جو بھی سکون شریک ہے سمم تاکیتو کی منگ شریک ہے تن بیا آت مارا کرا منگم آت وادا تا سر وقت قائم دائم ملا اور صدائی نے کہ انشاء اللہ تعالیٰ وقت را پلندو رہا ورمت براتی اور اللہ تعالیٰ باقا وادا وادی سلطہ مرسی سنگی افضل خبر اپنا دانوی خلق صرف پردو منصوبو تختو لگولو ماہر دی سنوی شیر دراؤڑو دونو پہ انجانڈاو پسو کچھ فکر کی نشنی خدا اللہ احسان نے جی منتص اختیار چرتا ہوں میلاو شوے مزدور و خلق دبارا بلاد تبریق استعمال کرے خدا کا تمام سوچ فکر دے انشاءاللہ تعالی دوبارا جی اللہ تعالی مقرآ کی بیابا ہم آغاز استعمالو نسو حملے سنجھ میں ذکر ہوگا اکبر یاد جمنگا ضرور شدی خضر یاد سے مطر و ڈاڑ ہم جمنگ ضرور شدی اور آگرہ بچی ملتا تو بچو شدی سے مکو مکت بیشوی اور آگرہ سے کہری گیا اور آگرہ سے شوقت و محبت دون زمنگا سے کہتا دیو ہم ایم ساتھو زرسا خبری میں بردو کی قوما میں آج چند باتیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان اس 22 کروڑ عوام کی کون سی گناہ ہے ہم اس دن کے انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اس گناہ کو جو اس قوم سے ہوئی ہے
इस तरह एक नालायक, एक झूठे, एक यूटर्न के मायर और एक मुनाफिक बंदे को इस पाकिस्तान पर मुसलत किया है, जिसको समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी क्या है। उसकी जहन का वही खाना जिसमें अवाम की बेहतरी का सोचा जाता है, अवाम की फलाह का सोचा जाता है कि अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए क्या किया जाए और इन अवाम की जिंदगी में किस तरह आसानियां ले जाए। अल्लाह ताला ने वो खाली पैदा किया है, उसमें भूसा पड़ा हुआ है, वही कोई चीज है नहीं कि इसके लिए इस्तेमाल करे, उसके जहन के वही खाने काम कर रहे हैं। जो झूठ बोलना, यू टर्न लेना, इंतकामी सियासत करना, अपने पार्टी और अपने लोगों को बदतमीजी सिखाना और अच्छे अच्छे लोगों की पगड़े उछालना, वही है खाना काम करते हैं। सुबह शाम नहीं नहीं बातें उसमें आते हैं, सुबह उठते हैं कि सुबह इस तरह कौन सा काम करो। जो गरीब होता है सुबह और जब वो तंदूर पर जाता है और उसको कहते हैं कि 5 रुपया मजीद रोटी मिलिए, वही सारा उसका काम कर रहा है। जो गरीब बिजली का बिल सुबह अपने गैस पे वसूल कर रहे हैं और गैस का पिछले महीने के मुकाबले में डबल आता है, वही उसके जहन का सारा तो काम कर रहा है। उसके जहन का वही सारा काम कर रहा है कि गरीब अगर मोटरसाइकिल पर सवार होकर पंप में जाता है और डीजल पेट्रोल डालता है तो कहते हैं कल के मुकाबले में 10 रुपए ज्यादा दे दे, उसके जहन में एक चीजें चलती है, उससे उसको सुकून मिलता है। मैंने इस तरह वजीर आजम नहीं देखा जिसको आवाम को तड़पाने से सुकून मिले। मैं तो खुद कैबिनेट के 3-4 दफा वजीर रहा, फेडरल कैबिनेट का मुख्तलिफ वजरा आजम से काम किया है। अगर 1 रुपए डीजल महंगी होनी थी या पेट्रोल तो वजीर आजम कहता था कि कौम पर क्या गुजरेगा, महंगाई के कौन सा तूफान आएगा। मगर उन नालायक अगर 20 रुपए महंगा हो जाए तो फिर कहते मैंने भी टीवी में देख लिया, उसको तो मिल ये तो उसके काम ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। तो इस तरह एक मुसीबत, एक गरीब का जिंदगी मुश्किल हो गया। कहता है मुफ्त इलाज है, पता नहीं कौन से अस्पताल में, हम जिस अस्पताल में जाते लोग रो पड़ते थे मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए, उसकी कीमत आसमान से बातें कर रहा है। तो पता नहीं कि उससे कौन से अस्पताल है और कौन से है कि उसमें इस तरह हो रहा है और ये और वो है। और उसकी इफ्तिताह है, कोई नया मंसूबा नहीं दिया, कर्जे तो इतने लिए, पाकिस्तान को इतना मकरूज बना दिया कि पाकिस्तान बनने से बाद आज तक दूसरे हुकूमतों ने इतने लिए जिस तक जितने इमरान नियाजी ने इस 3.5 साल में लिए। बोले 3 साल मेरे मंसूबा में कोई नजर नहीं आ रहा है और वही पहले के मंसूबे ढूंढते ढूंढते नए नए तख्ते लगाते हैं और वापस आते हैं जो पहले से मंजूर शुद्ध है उसके उसके पीछे लगा हुआ है कि ये न खत्म हो जाए। मैं उसके लिए हैरान होकर मैं तकरीर कर रहा था कि 3 साल में 2.5 साल में मैं क्या सीख जाऊंगा। इमरान साहब आपके तो 8 साल हो गए सूबे में, आप 8 साल से मुसल्लत है सूबे पर, तो 8 सालों में आपने क्या किया तो बता दिया जाए कि इसके पीके में कौन से दूध और शहद की लहरें आपने बहा के रख दिए। आपने सूबे में करप्शन को जायज मकाम दिया और जायज करार दिया। अभी न कोई अफसर डरता है, न कोई माता डरता है लेने में, और आपको पर मना कहते हैं कि इतने ले आओ आपका काम हो जाएगा, ये आपका बड़ा कारनामा है। ये आपने सूबे में राइज कर दिया, आपने एक इंतकामी सियासत यहाँ राइज की। कल का वो देख रहा था, हमारे सूबे की कल्चर नहीं है, हमारे सूबे के बहुत मुअज्जब लोग हैं, हमारे माशरे में एक काम नहीं है दूसरों की तरह। कई तरह लोग ट्रेन किए, मैं इस हिसाब से वही जो जिन लोगों ने उस बंदे को बेनकाब किया उसकी जायदाद देता हूं कि किसी को पता लग जाए कि कोई चुप नहीं रह सकता है, और जिसने उसको पकड़कर मोटरसाइकिल पर
बिठा दिया उसको खसूस दाद दे दो, क्या नाम है इसका, अवेश, अवेश को खसूस दाद दे दो, इनाम भी देता हूँ कि इसी तरह मेरे के वो गायब हो जाए, आइंदा कोई जरूरत न करे आपको इनाम भी दूंगा अभी, ये इसी तरह कोई गायब ना हो जाए, आप सबको जितने भी लोग सारे, मगर इस मैसेज के लिए नहीं, मैं इसके कायल मगर इस मैसेज के लिए कि कोई इस तरह काम करे तो इस सुबह में चुप नहीं रह सकता। आखिर में आपको सामने लाना पड़ेगा कि दूसरे फिर जो भी हो वो मोहताज रहे। मैं कहता हूँ इमरान को, आपकी किस किस बात पर हम बात करें, कहते हैं इदारे मेरे पास है ठीक ठाक चला रहा हो, ओ बेशरम अभी आप इदारों के पीछे उस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, उस इलेक्शन कमीशन के जो आप कहते हैं मेरे साथ है और मेरे पीछे है, अभी आप क्या कह रहे, कहते हैं इस्तीफे दे रहे, और इदारों को तब मानता है, इस कौम ने तो उसको पहचान लिया, अभी इदारों ने भी उसको पहचानना शुरू कर दिया है कि झूठा और मुनाफिक बंदा है, उसके लिए दिन से रात बना और रात से दिन बनाए, फिर इदारे ठीक कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन वाला कहते हैं कि वही पंजाब में धांधली हुई, पंजाब में धांधली हुई तो इदारे गलत काम कर रहे हैं, इलेक्शन की दूसरे बातें करे अगर गलत काम, ये कहता है कि सब कुछ मेरे अंदर चले, मैं जिस तरह झूठ फरेब करो तब चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। मेरा ये बात करना चाहता हूं, पीडीएम के हवाले से हमारी ख्वाहिश है, पीडीएम बनी है और मुस्लिम लीग की उनकी ख्वाहिश है कि आखिर तक कायम दायम रहे। पीडीएम ने इस कौम से वादा किया है, सबने तमाम पार्टियों ने, इस नाल से लड़के आपके लिए, इस 22 करोड़ आम के लिए, और हमें उम्मीद है कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म में होना चाहिए और आखिरी हद तक जाना चाहिए। मगर मैं कहता हूं कि सबको जाना चाहिए और जाना होगा। मैं बात करता हूं एक सियासी वर्करों में, मैं कोई लीडर नहीं सियासी वर्करों, और मैंने सियासी वर्कर को देखे अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि जो भी इस तारीख से हटेगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो, और जो इस तारीख के साथ होगा वो हीरो होकर रहेगा, वो कौम का हीरो होगा, और जो अलग हो गया उसे जीरो बन जाएगा, ये कौम के साथ जाती होगी। मगर मैं कहता हूं कि कम अज कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहले भी हमारे कायम ने तहरीके चलाए और हम इस कौम के साथ आखिरी सांस तक रहेंगे और लड़ेंगे इस कौम के साथ, इस तहरीक को आगे लड़ेंगे और इस नाल से कौम को नजात दिला के रहेंगे, इस नाल को घर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, उसको ईमानों के अंदर भी मुस्तरद किया कौम ने और ईमानों के बाहर जहां भी इलेक्शन हुए, इख्तियार वली साहब बैठा है उसकी शक्ल में, उसको जो बदतरीन शिकस्त का सामना नौकार में पड़ा, जिमनी और जनरल इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिमनी इलेक्शन में हर एक बंदा कहता है कि हुकूमत के साथ चलो, इसलिए मैं पी के आठ के लोगों का मशहूर हूँ कि वो इसी टाइम भी हमारे साथ चले, और इख्तियार वली साहब की इलेक्शन में भी उन सारी अफरों को मुस्तरद करके हमारा साथ दिया। तो मैं कहता हूँ यहाँ भी मुस्तरद, बाहर भी मुस्तरद, और आपसे एक बात, ये आपकी बैलेट से तब्दीली आएगी, आखिर में बात आपके सामने आएगी, और वही आपसे ये वादा लेना है, मुझे आप पर कोई शक नहीं, आप पर इम्तिहान में पास हुए तो मंजरी को मन तापल गए और लग गए इंशाल्लाह।
का मुस्तकबिल ओदा पाकिस्तान साथ रे का मुल्क मुस्लिम लीग जो कह रहे ओ मुस्लिम लीग पर रे मुहाफिज इंशाल्लाह ताला तर आखिर पूरे सो का खबर की या पसंद खबर की देखे का मुल्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कह रहे कायद आजम लीडरशिप के अब इंशाल्लाह दा आखिर हल पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे सिक्योरिटी के रे मुहाफिज होए और रे पाकिस्तान के तो खिलाफ गई अहो सर में जंगी की वो लड़ावी की बहु हिंदुस्तान से टोलो ना आखिर की जाओ मैं सा ना जय इंशाल्लाह भरपूर रास्ता रे जंबे सरा चकदला मार काल के रन मान छे दोबारा ता सरकार मिलाओ जी जमाता सर उम्मीद से जो कर जो तेरे पे खबर खलक का सुमार इम्तिहान के पास छे चर्ता मंगता उस तक क्या ना करे जब मुझे तो कुआं तो जात रहा गली आइंदे हो प्यार तो वक्त साथ में इंशाल्लाह चिकने जरूरत रही प्यार बहुम परासे रो रहा था कमाई था तो डरने ना करवाजी शुक्रिया सामान।